दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर में है। अगर आप विशाल पांडे के फैंस हैं तो कहीं ना कहीं ये खबर आपको काफी बड़ा झटका दे सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप सबके फेवरेट जो है विशाल पांडे, वो बिग बॉस के घर से बेघर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हालांकि अभी तक विशाल घर के अंदर ही है और हमें जो बेघर होने की पूरी जो स्क्रिप्ट है वो यहाँ फ्राइडे के दिन दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन यानी कि वीकेंड के बाद एपिसोड के दौरान यहाँ पर विशाल पांडे को घर से बेघर कर दिया जाएगा। दरअसल ये चीज़ हम नहीं कह रहे, बल्कि बिग बॉस के मेकर्स ने खुद जो है अपनी स्क्रिप्ट जो है वो ट्विटर हैंडल पर लीक कर दी, जहाँ पर ट्विटर हैंडल पर जियो सिनेमा के ऑफिशियल पेज पर बिग बॉस के मेकर्स द्वारा ये पोस्ट करनी थी कि लवकेश कटारिया शिवानी और विशाल पांडे को बचाने के लिए वोट कीजिए। इस दौरान दोस्तों लवकेश कटारिया और शिवानी के लिए तो वोट अपील वाली फ़ोटो लगा दी, लेकिन विशाल पांडे की जो फ़ोटो लगी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एविक्टेड, जिसका मतलब आप भी समझ गए होंगे कि ये जो पोस्ट है ये ऑलरेडी तैयार कर ली गई है। फ्राइडे के दिन इस पोस्ट को वीकेंड के बाद एपिसोड के बाद में लगानी थी, लेकिन ये फोटो गलती से मेकर्स के द्वारा अभी ही अपलोड हो गई। यानी कि दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो ये वोटिंग शोटिंग जो होती है जनता के द्वारा, ये सब एक कहने की होती है, बाकी मेकर्स जो है वो अपनी तरफ से ही करते हैं सब कुछ जो करते हैं। क्योंकि दोस्तों एविक्शन की फ़ोटो अभी से ही तैयार कर ली गई है, इसका मतलब साफ है कि विशाल का एविक्शन ऑलरेडी लिख चुका है स्क्रिप्ट में। और ऐसे में जो है शिवानी कुमारी तो वैसे भी आज घर के अंदर टास्क के दौरान सेफ हो चुकी है। लवकेश कटारिया और विशाल में से सबको पता है कि कौन जाएगा, विशाल पांडे ही जाएंगे। और मेकर्स ने भी इसकी ऑलरेडी जो है सारी तैयारियाँ कर रखी है पहले से, फ़ोटो वोटो है सब एडिट वेडिट करके और सेट कर रखी है, और गलती से वो फ़ोटो जो है वो उनके सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट हो गई। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर मेकर्स जो है वो क्या करते हैं। हालांकि मुझे तो यही लगता है कि जब तक ये वीडियो पूरा बनेगा तब तक तो जियो सिनेमा की ये पोस्ट जो है डिलीट हो जाएगी। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार खबरें आप तक पहुँचे सबसे पहले।